Hi, assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss the detailed taxonomy of the protista, especially the supergroup excavator. अगर आपको प्रोटोजोन्स की टेक्सोनॉमी पढ़नी है तो प्रीवियस लेक्चर को लेक्चर नंबर 3 उसको फॉलो करें और इसमें जो 4 प्रोटोजोन्स के सुपर ग्रुप हैं उसमें एक सुपर ग्रुप एक्सकेवेटर के डिटेल डिस्कशन हो। दिस इज फॉर रिकैप के Protozoa are divided into 4 supergroups. One is excavata, second amoebozoa, third supergroup is rhizaria, and fourth supergroup is chromalviolata. The supergroup excavata. तो इस supergroup में जो भी protozoans हैं they are considered as the oldest eukaryotes. So supergroup excavata includes some of the oldest eukaryotes and they possess a cytostome. Cytostome as previously humne padha ke a special mouth like structure by which the food enters into the body. तो यहाँ जो जो इनका मेन मीन्स इनका नाम एक्सकेवेटा इस साइटोस्टोम की वजह से सो साइटोस्टोम इज कैरेक्टराइज बाय सस्पेंशन फीडिंग ग्रुप दैट सस्पेंशन फीडिंग ग्रुप इज एक्सकेवेटेड आर डिग्ड हेंस नेम लाइक दैट वन और दैट पजेस द पोस्टीरियर डायरेक्टली फ्लेजिला और उस फ्लेजिला का काम क्या है के करंट फीडिंग करंट जनरेट करे पानी में करंट जनरेट करे जिससे फूड जो है ना उस डिग आउट और ग्रूव या साइटोस्टोम में जो इंटर हो और दैट अनेबल देम टू कैप्चर स्मॉल फूड पार्टिकल और इनका जो मेन एग्जांपल है दैट्स जियार्डिया इंटेस्टाइनलस ये एक मिसाल है इस नाउ सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फर्स्ट प्रिंट वन इज नोन एज फोर्निकेटा फोर्निकेटा सेकंड पैरा बेसिलिया एंड थर्ड फर्स्ट रैंक्स आर नोन एज यूगिनोजोआ नाउ वी विल डिस्कस द वन बाय वन ईच ग्रुप Fornicata, the member of Fornicata have flagella and feeding group, like because they have excavated group, जिसकी वजह से इस group में या super group excavata में रखा गया, तो इनमें they have the flagella, feeding group, और in main body is composed of the single nucleus, so they are uninucleated. Another feature of them is they possess the modified mitochondria. That modified mitochondria is known as a mitosomes. Now, आप ये पूछ सकते हैं कि एक normal mitochondria और mitosomes में क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि the mitosomes lack functional electron transport chain. और जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाते बिकॉज कार्बोहाइड्रेट से एक्सट्रैक्ट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीजन को यूज करना लाजमन है तो यहाँ जो है ना एरोबिक रेस्पिरेशन इनमें पॉसिबल नहीं तो सारे फोर्निकेटा जो है ना दे यूज एनएरोबिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस फॉर द मेटाबोलिज्म फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन मोरओवर These protozoa use their flagella for locomotion. Locomotion के लिए flagella इस्तेमाल करते हैं and flagella produce two dimension whip-like or helical movement, push or pull body को aquatic medium में पानी के medium में वो two dimensional
मूवमेंट क्रिएट करते हैं, माने उससे पुश भी होता है और पुल भी होता है। मोर ओवर दीज प्रोटोजोन्स पजेस द पेलिकन, ऑलरेडी अनोइनिंग पेलिकल अंडर लाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्यों होती है? बिकॉज इट गिव द डेफिनेट शेप टू द बॉडी। मोर ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज ऑलरेडी वी डिस्कस, दैट इज द जियार्डिया इंटेस्टाइनलस, और ये इट कॉज द डिजीज नोन एज ए जियार्डियासिस। तो जियार्डियासिस एक वाटर बॉर्न डिजीज है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टेटिक्स है उनके मुताबिक जो है ना, इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से एपिडेमिक डायरिया, और ये ज्यादातर जो है ना ये डायरिया चिल्ड्रेन में होती है देन एडल्ट। सेकेंड फर्स्ट रैंक ग्रुप ऑफ सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा इज पैरा बेसिलिया। एक्चुअली द मेंबर ऑफ द पैरा बेसिलिया पजेस द फ्लेजिला, और फ्लेजिला में भी इन थाउजेंड, हजारों की तादाद में इनमें फ्लेजिला पाए जाते हैं, और ये जो है ना एंडोसम्बायोन एनिमल है, किसी न किसी के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। दे हैव द पैराबेसल बॉडी एंड गोल्जी बॉडी लोकेटेड नियर काइनेटोस्टोम। सो पैराबेसल फाइबर दैट कनेक्ट्स गोल्जी टू द फ्लेजिला। पैराबेसल फाइबर का मेन फंक्शन ये पैराबेसल गोल्जी बॉडी को कनेक्ट करना फ्लेजिला के साथ। दे डोंट हैव द डिस्टिंक्ट साइटोस्टोम, इनमें साइटोस्टोम नहीं होता, तो इनमें फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है ना फूड जो है ना इंटर होता है। मोर ओवर पैरा बेसिलिड्स हैव रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि फोर्निकेटा में जो माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोसोम्स के, इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वो रिड्यूस है उसको हम हाइड्रोजेनिसोम्स के, हाइड्रोजेनोसोम्स कहते हैं, और ये भी जो है ना एनएरोबिकली एनर्जी जनरेट करते हैं, और उसमें हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है बाय प्रोडक्ट। तो दोनों में फोर्निकेटा में भी जो है ना यही मामला था एनएरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ जो थी फोर्निकेटा में दैट वाज द माइटोसोम्स, और यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज द हाइड्रोजनिसोम्स। द एग्जाम्पल ऑफ द पैरा बेसिला इज द ट्राइकोमोनास वेजिनेलस, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज करती है, वी कॉल दैट ट्राइकोमोनियासिस इन ह्यूमन। और यूनाइटेड स्टेट्स की ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि 7 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल जो है वहाँ इस डिजीज से इम्पेक्टेड होते हैं। थर्ड फर्स्ट रैंक ऑफ द सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा इज यूग्लिनोजोआ। नाउ द मेंबर ऑफ यूग्लिनोजोआ आइदर फाइटोफ्लेजिलेट्स आर जू फ्लेजिलेट, मीन्स जू यूग्लिनोजोआ के दो सब ग्रुप हैं, एक हम फाइटोफ्लेजिलेट्स कहते हैं। तो फाइटोफ्लेजिलेट यूग्लिना पजेस द क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, सेकेंड ग्रुप इज द जू फ्लेजिलेट्स, और उनमें जो फीडिंग होती है वो पार्टिकल फीडिंग होती है या पैरासाइट्स होते हैं। और इस ग्रुप में मीन्स यूग्लिनोजोआ में या तो एक या दो जो है ना फ्लेजिला होते हैं, एपिकल पॉकेट में पाए जाते हैं, एंड आल्सो पजेस द टू काइनेटोस्टोम्स एंड हैव द माइटोकॉन्ड्रिया हैव द डिस्कॉइड शेप। तो इनके में माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी जो होती है वो डिस्कॉइड शेप होती है। द मेन मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द यूग्लिनोजोआ दैट डिस्टिंग्विश दीज प्रोटोजोआ इन द प्रेजेंस ऑफ स्पाइरल आर क्रिस्टलाइन रॉड ऑफ अननोन फंक्शन इनसाइड ऑफ देयर फ्लेजिला। तो फ्लेजिला में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इनके इनको डिफाइन करते हैं, इनके प्रेजेंस और एब्सेंस जो है ना बहुत मायने रखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फाइटोफ्लेजिलेट प्रोटोजोआ। तो फाइटोफ्लेजिलेट्स प्रोटोजोन्स पजेस वन आर टू फ्लेजिला, और अक्सर जो है ना
मैरिन फूड वे में इनकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती और वहाँ जो फूड वे में उनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है, एंड ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और युगना इज अ फ्रेश वाटर फाइटोफ्लेजिलेट्स, ये जो आपको नहीं फ्रेश वाटर है, इनमें ईच क्लोरोप्लास्ट है द पायरेनॉइड बॉडी विच सिंथेसाइज एंड स्टोर द पॉलीसेक्राइड। इफ कल्चर्ड इन द डार्क, अगर आप इस युगना को कल्चर करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, युगना फीड बाय एब्जॉर्प्शन एंड लूज द ग्रीन कलर, तो युगना अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेगा, एब्जॉर्प्शन के फीड करेगा और उनके आस्ते आस्ते कलर जो है चेंज हो गए। सम युगलना जिसको हम पैरानीमा कहते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, दे आर ऑलवेज हेटरोट्रॉफिक, दे आर हेटरोट्रॉफिक। नाउ द युगलना ओरिएंट टुवर्ड लाइट ऑफ सर्टेन इंटेंसिटी, मीन्स लाइट की तरफ उनकी जो है वो एक स्टिमुलस है, तो उनमें एक पिगमेंट शील्ड पाई जाती है दैट वी कॉल्ड स्टिग्मा, एंड दैट कवर्स द फोटो रिसेप्टर एट द बेस ऑफ द फ्लेजिला। और स्टिग्मा जो है ना, समझ लें कि वो फोटो रिसेप्टर्स को काम करने में हेल्प कर रही है, और लाइट की तरफ आना है भागना है ये सारा जो है ना वो इन स्टिग्मा की वजह से होती है। नाउ द युगलना फ्लेजिलेट्स आर हैप्लॉयड एंड रिप्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशंस, तो इन ये तो एक हैप्लॉयड भी होते हैं और इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशंस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन युगलना में हमें पता नहीं, फाइटोफ्लेजिलेट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभी तक कोई। जू फ्लेजिलेट्स प्रोटोजोआस डू नॉट हैव द क्लोरोप्लास्ट एंड दे आर हेटरोट्रॉफिक, वो क्या है, दे आर द हेटरोट्रॉफिक। और दीज प्रोटिस्टा हैव सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन आर्गनाइज मास ऑफ डीएनए कॉल्ड काइनेटोप्लास्ट। और इनमें जो जूफ्लेजिलेट्स हैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डिजीज के हवाले से, उसमें एक का नाम है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी, आप जानते हैं ट्रिप्नोसोमा कॉज स्लीपिंग सिकनेस। सो दिस स्पेशी इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब स्पेशी, वन इज नोन एज ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी ब्रूसी, ट्रिप्नोसोमा गैम्बेनीज, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी रोडेंसिस। तो इनको हम ट्रिप्नोसोमा कॉम्प्लेक्स ब्रूसी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ थ्री सब स्पेशीज, जो पहली है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी ब्रूसी, वो नॉन ह्यूमन या मेमल के ऊपर पैरासाइट है। बाकी दो जो हैं ट्रिप्नोसोमा गैम्बेनीज, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी रोडेंशियस, ये जो है ना स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, और सिकनेस मीन्स सीसी फ्लाई के थ्रू, मीन्स इनका जो जो ग्लोसीना फ्लाईज है या सीसी फ्लाई, वो इंटरमीडिएट होस्ट है और वेक्टर भी है, ये जब ह्यूमन को बाइट करती है तो ह्यूमन में वो डिजीज कास करती है, और ये तकरीबन ह्यूमन में ट्रिप्नोसोमा जो है ह्यूमन में डिजीज तो कास करती है, लेकिन जब ये ट्रिप्नोसोमा ये असेक्सुअल रिप्रोड्यूस अपने इंटरमीडिएट होस्ट में होता है, ग्लोसीना फ्लाई में होता है या सीसी फ्लाई में, वहां जो है ना तकरीबन 10 दिन तक जो है ना वो उनकी जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गट में, और देन दे माइग्रेट टू द सिलेवरी। सो नाउ जब वहां जो है ना 10 दिन गट में रह करके, देन इट मूव टुवर्ड द सिलेवरी ग्लैंड। सो वाइल इन फ्लाई ट्रिप्नासोमा ट्रांसफॉर्म इनटू इन 15 to 35 days थ्रू द नंबर ऑफ बॉडी फॉर्म्स, उनमें बॉडी फॉर्म्स या शक्लें चेंज हो रहती हैं। सो व्हेन इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई बर्ड्स एंड अदर वर्टिब्रेट होस्ट, ह्यूमन भी हो सकता है मेमल भी हो सकता है, तो वो पैरासाइट जो है ना अगेन जो है ना ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, उसमें। तो पैरासाइट में लिव इन ब्लड लिम्फ स्प्लीन सेंट्रल नर्व सिस्टम आर सेरिब्रल फ्लूइड। सो व्हेन ट्रिप्नोसोमा इंटर्स इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम दे कॉज द जनरल
apathy or mental dullness and lack of coordination. We call the sleepiness.